हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में मेकाट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ये एग्जाम 23 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर है मेकाट्रॉनिक्स का चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चिप इज यूज ओनली एज माइक्रो कंट्रोलर तो देखिए इंटेल एट जीरो क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर है माइक्रो कंट्रोलर नहीं है माइक्रो कंट्रोलर कौन सा हो जाएगा इंटेल एट जीरो माइक्रो कंट्रोलर है एट जीरो फाइव वन तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर पूछा है ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पी आई डी कंट्रोलर पी कंट्रोल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इट इंप्रूव्स स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम सही है इट इंक्रीजेज स्टीडी स्टेट एरर ऑफ सिस्टम नहीं ये स्टीडी स्टेट एरर को डिक्रीज करता है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ऑप्शन ए जो है सही है क्वेश्चन नंबर थ्री है टिपिकल साइज ऑफ माइक्रो सेंसर इज माइक्रो सेंसर का जो टिपिकल साइज होता है वो वन एम टू फाइव एम होता है एक एम mm से लेकर के पांच एम mm तक ऑप्शन डी हो जाएगा

इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक लॉजिक गेट कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है तो एंड गेट जो है बेसिक लॉजिक गेट है नैंड गेट और नॉर गेट ये क्या है यूनिवर्सल लॉजिक गेट है और एक्सॉर गेट ये स्पेशल लॉजिक गेट होता है तो बेसिक लॉजिक गेट में कौन को हो गया एंड गेट हो गया और कौन आ जाएगा नॉट गेट आ जाएगा और गेट आएगा ये तीन जो है एंड गेट और गेट नॉट गेट ये तीन जो है बेसिक गेट होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव कंपोनेंट कह रहा है कौन सा पैसिव कंपोनेंट है तो रेसिस्टर जो है पैसिव कंपोनेंट है ऑप्शन ए हो जाएगा रेसिस्टर क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मेकाट्रॉनिक सिस्टम मेकाट्रॉनिक सिस्टम में कह रहा है लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है कौन परफॉर्म करता है तो डिजिटल कंट्रोल यूनिट जो है ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ऑप्शन सी हो जाएगा एट का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है फॉलोइंग नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर किस को बोलते हैं तो अप्रॉक्सिमेटिक लूप पोजिशन कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप पोजिशन कंट्रोल सिस्टम में कौन सा मोटर का यूज किया, किया जाता है स्टीपर मोटर का यूज किया जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा टेन का स्टीपर मोटर क्वेश्चन नंबर इलेवन है डैश इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू जेनरेट इरेगुलर मोशन मैकेनिकल एलिमेंट्स किसका यूज कैम का यूज किया जाता है कैम एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है जेनरेट करता है कर्वलिनियर या फिर इरेगुलर मोशन मैकेनिकल एलिमेंट को जनरेट करता है कैम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इलेवन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डैश एक्चुएटर यूजेज इज फ्लूड टू प्रोड्यूस ए लिनियर मोशन कौन सा एक्चुएटर्स का जो है यूज किया जाता है ये आपसे पूछा है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज किया जाता है जो प्रेशराइज करता है फ्लूड को लिनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए थर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेट ए कंटिन्यूस रोटेशन इंटू एन इंटरमीडेंट रोटरी मोशन कंटिन्यूस रोटेशन को जो है इंटरमीडियंट रोटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है तो जेनिवा मैकेनिज्म जो है करता है जेनिवा मैकेनिज्म ऑप्शन ए हो जाएगा थर्टीन का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है पावर रिक्वायरमेंट टू मूव द टूल्स इन टूल मैगजीन इज डैश डेट रिक्वायर्ड इन टूल टू लेस देन हो जाएगा पावर रिक्वायरमेंट जो है टू मूव द टूल इन टूल मैगजीन में जो है कम चाहिए कंपेयर किसके कंपेरिजन में टूल टू रेट के कंपेरिजन में कम चाहिए लेस देन हो जाएगा फोर्टीन का सी फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर हाई प्रेशर फ्लूड इन हाइड्रोलिक सिस्टम कह रहा कौन सा जो है हाई प्रेशर फ्लूड को जो है डिलीवर करता है हाइड्रोलिक सिस्टम में तो पंप डिलीवर करता है ऑप्शन ए हो जाएगा फिफ्टीन का सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल सर्किट इनकोडर जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है फ्लिप फ्लॉप सिफ्ट रजिस्टर और काउंटर ये क्या है ये तीनों जो है सिक्वेंशियल सर्किट है सिक्वेंशियल सर्किट और इनकोडर क्या होगा इनकोडर हो गया फ्लिप इनकोडर हो गया मल्टीप्लेक्सर हो गया डी मल्टीप्लेक्सर हो गया आ, है ना एडर हो गया सब हो गया डिकोडर हो गया ये सब क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट है Sequential में हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर सेवेंटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मोड इन मेकाट्रॉनिक्स हैज मिनिमम स्टीडी स्टेट एरर मिनिमम स्टेट एरर जो है होता है तो इंटीग्रल कंट्रोल में जो है मिनिमम स्टीडी स्टेट एरर होता है ऑप्शन ए हो जाएगा एटीन है डैश हैज वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है वन इनपुट होता है मेनी आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है मेनी इनपुट होता है वन आउटपुट होता है तो पूछ रहा है किसमें वन इनपुट और मेनी आउटपुट होता है तो डी मल्टीप्लेक्सर में होता है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन सा फास्टेस्ट टू डिजिटल कन्वर्टर है फास्टेस्ट होता है सॉरी यह नंबर क्वेश्चन था ट्वेंटी है फंक्शन ऑफ सिग्नल कंडीशनर इज सिग्नल कंडीशनर का क्या फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन और लिनियराइजेशन दोनों काम करता है फंक्शन सिग्नल कंडीशनर, दोनों काम तो बोथ एन बी ऑप्शन सी हो जाएगा ट्वेंटी का ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर टू है जो कि चार नंबर में पूछा है राइट अप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इसी का में पूछा है व्हाट आर द एरर इन पीआईडी कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर में कौन सा एरर होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम राइट इट्स फ्यू एग्जांपल्स इसी का और में पूछा है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस बताना है क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज फॉलोअर एक्सप्लेन विद सुइटेबल डायग्राम इसी का और है एक्सप्लेन स्पेशल फीचर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी का जो है स्पेशल फीचर बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म टाइमर माइक्रोसेंसर को एक्सप्लेन करना है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेटिक एक्चुएटर न्यूमेटिक एक्चुएटर से क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा है राइट एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्वोमीटर सर्वोमीटर का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है ये बताना है इसी का और है व्हाट डू यू मीन बाई सिक्वेंसियल सर्किट राइट इट्स फ्यू एग्जाम्पल सिक्वेंशियल सर्किट से क्या समझते हैं तो प्रजेंट इनपुट एडवरज पास्ट का जो आउटपुट है दोनों पे डिपेंड करता है सिकेंसर सर्किट इसमें मेमोरी होता है इसके एग्जाम्पल में हो गया फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि छः नंबर का है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम की मदद से एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर को के ऑपरेशन को बताना है है ना आठ बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है एट जीरो एट फाइव चालीस पिन होता है ऑपरेशन को बताना है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम मेकाट्रॉनिक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर एट का और है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्टॉपर मोटर परमानेंट मैग्नेट स्टॉपर मीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी सी सर्वोमीटर डीसी मोटर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम इन ब्रीफ कैम को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कैम को जो है एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा है एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन हाइड्रोलिक सिस्टम जो डिफरेंट सारा कंपोनेंट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का उसको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन रेपचेट एंड पॉल मैकेमेटिक डायग्राम क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क टाइप टूल मैगजीन विद डाय इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन फ्लैश टाइप एनालॉ डिजिटल कन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डाइग्राम फ्लैश टाइप एनालो टू डिजिटल कन्वर्टर को जो है एक्सप्लेन करना है सर्किट डायग्राम की मदद से तो ये देख सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम तेईस सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच